लौकी का हलवा बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो लौकी ले ली है, और अब हम इसको दोनों तरफ से ऐसे कट कर लेंगे, और इसके बाद इसको हम पील ऑफ करेंगे। और पील ऑफ अच्छे से करना, अच्छे से धो के जो घिया को है वो हम पील ऑफ करेंगे, और इसके बाद हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारी घिया जो है वो कड़वी तो नहीं है। इस तरीके से हम इसको कट करके टेस्ट करके देख लेंगे, अगर तो घिया हमारी कड़वी है तो हमारा जो है हलवा भी वो कड़वा बनेगा। इसीलिए हम अगर घिया मीठी होगी तो तभी इसका हलवा आप बनाना, तो जो हलवा है बहुत ही अच्छा वो बन के रेडी होगा। तो इस तरह अब हम इसको जो है 4-5 पीसेज में जो है इसको कट कर लेंगे, ताकि जो हमें ग्रेट करना है, जो कद्दूकस हम करेंगे वो हमें हमारे लिए आसान हो जाए। और कद्दूकस करने के लिए मैंने बारीक साइड से इसको ग्रेट किया है, ताकि जो हमारी जो लौकी है वो आसानी से जो है पक जाए। और इसको हमने जो इसका गुदा है वो हमने नहीं रखना, और ये सारी घिया जो हमने है वो ग्रेट कर ली है। तो ये 1.5 किलो से जो है वो आधी ही रह जाएगी, क्योंकि हमने बीच वाला जो पार्ट है वो हटा दिया है। अब हम कढ़ाई में ले लेंगे देसी घी, और इसमें देसी घी जो है बहुत ही कम पड़ता है। जैसे कि हम सूजी का हलवा बनाते हैं या फिर आटे का हलवा बनाते हैं, उसके कंपैरिजन इसमें जो है वो बहुत ही कम पड़ता है। अब हम घिया को जो है इसमें जो है फ्राई कर लेंगे, और इसका जो पानी है हम सारा ही पहले सुखाएंगे। इस टाइम इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पानी सुखाना हमें बहुत ही ज़रूरी है। तो स्लो आंच पे इसको धीरे धीरे इसका पानी हमने सुखाना है। अगर हम ये नहीं सुखाते और सीधा ही इसका आगे का प्रोसेस कर देते हैं या दूध डाल देते हैं, तो हमारा जो है दूध फटने का डर रहता है। इसीलिए ये ना हो तो हमें बहुत ही जो अच्छे से जो घिया को वो पकाना है। करीब हमने इसको जो है 7 से 8 मिनट तक स्लो आंच पे जो है हमने इसको पकाना है। तो ये हम मैंने दूध गरम जो कर लिया है, और गरम जो दूध है वो हम इसमें डालेंगे, और अब हम इसको धीरे धीरे चलाएंगे। जो दूध है और इसमें जो अब हम और मलाई डालेंगे ना, तो वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें हम मावा डालें। मावे से भी जो अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जो बाज़ार से हम मावा वगैरह लेके आते हैं उसमें मिलावट होती है, लेकिन इस तरह से अगर हम घर पे ही ऐसे इस तरीके से बनाएंगे तो हमारा जो हलवा है बहुत ही एक हेल्दी सा और बन के रेडी होगा, और टेस्टी भी बहुत होगा। तो इसके लिए मैंने जो और भी इसको अच्छा कलर देने के लिए मैंने ले ली है 8 से 10 जो पत्तियाँ हैं वो मैंने केसर की ले ली है। ये आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालिए। मेरे पास थी तो मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा कलर है इसका, जो हलवे का है ना, वो बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है। ये देखो कलर चेंज हो गया है केसर की पत्तियां डालने से, और ये देखो बहुत ही जो अच्छा लग रहा है अब दिखने में, और भी अच्छा लग रहा है। तो अब हम इसको और चलाते रहना है, ताकि जो हमारा जो दूध है, जो लौकी है वो नीचे ना लगे। तो इसको स्लो आंच पे हमने धीरे धीरे पकाते रहना है। ये 10 मिनट के बाद जो है हमारा दूध है वो पक गया है, और हमारी घिया भी पक के रेडी हो गई है। तो अब हम इसको ऐसे थोड़ा सा और पकाएंगे, और आगे की जो स्टेप है हम उसकी तरफ चलते हैं। तो इसको थोड़ा पकाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो है मैंने अमूल की जो क्रीम है वो ले ली है, फ्रेश क्रीम है वो मैंने ले ली है। तो करीब मैंने इसमें 350 ml जो अमूल की क्रीम है वो इसमें मैंने डाल दी है। तो इससे ही हमारा जो हलवे का टेक्सचर है और भी जो इसमें थिकनेस आएगी, और मलाई जैसा जो हमारा हलवा है वो बिल्कुल बन के रेडी होगा, और बिल्कुल भी आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इसमें मावा नहीं डाला हुआ है। तो ये जो हमने इसमें मिल्क है और ये मलाई डाली है, तो इससे ही हमारा जो हलवा है बहुत अच्छा बन के जो रेडी होगा। तो इसको भी हमने धीरे धीरे ऐसे चलाते रहना है, स्लो आंच पे ही चलाना है, और जो साइड किनारों पे हमारा ये जो दूध जम रहा है, मलाई लग रही है, तो उसको हमने उतारते जाना है। और ये देखो थोड़े टाइम के बाद जैसे इसको भी जो मलाई है वो हमारी सूख गई थी, जैसे कि इसमें रच गई थी,
पूरी लौकी में, और करीब मैंने 10-15 मिनट जो इसको मलाई में पकाया है, और उसके बाद मैंने जो इसमें शुगर है वो डाल दी है। तो शुगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लौकी जो थी करीब 700 ग्राम जो रह गई थी, और 700 ग्राम का भी हमने आधी जो है 300 ग्राम तक हमने इसमें चीनी मिलानी है। तो इस टाइम पे आप थोड़ी कम डाल लेना, अगर आपको लगे तो आप थोड़ा सा इसको चख के देख लेना, तो उसी टाइम पे आप इसको थोड़ी और डाल देना। तो ये देखो चीनी डालने के बाद इसका जो टेक्सचर है, जो कलर है, और भी चेंज हो गया है, और कितनी शाइन आ गई है इसमें। जब तक हमारा जो हलवा है पक रहा है, तो तब तक हम इलायची कूट लेते हैं। जो फ्रेश इलायची कूटने से इसका टेस्ट है ना, इसका जो फ्लेवर आता है हलवे में, वो बहुत अच्छा आता है। वो वैसे दूसरे पाउडर से नहीं आता, जो जब हम ऐसे इसको कूट के डालते हैं तो तब बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको और भी टेस्टी बनाने के लिए मैंने जो ग्रेट किया हुआ कोकोनट इसमें मिला लिया है, और ये जो इसका पाउडर मैंने बनाया था इलायची का, हरी इलायची का, तो वो भी इसमें मैंने डाल दिया है। अब हम इसको चला लेंगे। तो करीब इसको 2-3 मिनट के लिए और हम इसको पकाएंगे, और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। और तो हमारा जो हलवा है ऑलमोस्ट जो है वो हमारा बनके रेडी हो गया है। आप अगर इस तरीके से हलवा बनाओगे ना, तो सारे ही आपकी जो प्रशंसा करते नहीं थकेंगे और सारे खुश हो जाएंगे। तो ये जो मैंने हलवा बनाया है ना, तो करीब ये 7 से 8 लोगों की सर्विंग है। तो ये खाने में जैसे बहुत ही डिलीशियस होगा, और आप सबकी जो है वो तारीफ़ें बटोरोंगे, और सब बार बार कहेंगे कि आप हमें बना के दो। तो जो हमारा लास्ट वाला स्टेप रह गया है, तो हमने ये छोटे से पैन में देसी घी ले लिया है, थोड़ा सा देसी घी मैंने लिया है। तो इसमें जो मैंने कट किए हुए काजू, बादाम और किशमिश है, ये मैं यहाँ पे इसको डाल दूँगी। सिर्फ हमने 1 मिनट के लिए इसको हमने पकाना है, इसको रोस्ट करना है। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा सा हम जब इसको फ्राई करेंगे ना, इसका बहुत ही जो टेस्ट है वो हलवे में बहुत ही यम्मी सा टेस्ट आता है, जैसे मूंगफली का टेस्ट हो ना, वैसे वाला ये टेस्ट इसमें आएगा। तो बच्चे जो बहुत ही इसको पसंद करेंगे, जो आप ऐसे नट्स अगर इसको थोड़े से फ्राई करके ऐसे डालोगे, तो जो बच्चे हैं बहुत ही पसंद करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने फ्राई किए हैं नट्स और इसमें डाल देंगे, और बस अब क्या बात है, अब हमारा हलवा बनके रेडी है। और आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा ना, तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाइए और पूरे परिवार को खिलाइए, जैसे कि मैं तो अब खिलाने ही जा रही हूँ अपने परिवार को और उनको खुश करने वाली हूँ। तो इस तरीके से अगर आप हलवा बनाओगे, तो सब बार बार आपको कहेंगे कि हमने यही मिठाई खानी है हर त्यौहार पे। तो इसका देखो टेक्सचर कितना अच्छा है, कितनी शाइनिंग है इसमें, और कितना प्यारा लग रहा है, ना लाजवाब डिलीशियस और मज़ेदार सा हलवा जो बन के रेडी है। तो अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो आप भी इस तरीके से बनाइए और खाइए और शा जाइए, ठीक है। तो ये देखो हमारा यम्मी सा जो डिलीशियस सा रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से हम इसको और भी जो मैंने थोड़े से नट्स रख लिए थे और ग्रेट किया हुआ कोकोनट थोड़ा सा बचा लिया था, और इसको हम इस तरीके से गार्निश कर देते हैं। गार्निश करने से जो हलवा है और भी अच्छा दिखेगा, और जो क्रंची सा इसका टेस्ट आएगा, जो नट्स हैं हमने डाले हैं, तो वो बहुत ही यम्मी सा आपको टेस्ट देने वाला है। तो जरूर खाइए और बनाइए।